जालंधर के एक निजी अस्पताल में काम कर रही इस लड़की का नाम मनिंदर कौर है, जो कि जोहल अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करती है। आज सुबह जब लड़की जालंधर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपने घर से काम के लिए जालंधर की रामा मंडी स्थित अस्पताल के लिए निकली और पीएपी चौक पर पहुंची ही थी कि पीछे से दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसके चेहरे पर तेजाब जैसी चीज फेंक दी, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जालंधर के जोहल अस्पताल जहां लड़की का इलाज चल रहा है के डॉक्टर साहब बीएस जोहल का कहना है कि फिलहाल लड़की की हालत ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में पीड़ित के नुकसान का थोड़ी देर बाद पता चलता है। फिलहाल लड़की को इलाज के लिए निगरानी में रखा गया है। वही मौके पर पहुंचे जालंधर पुलिस ने लड़की के बयानों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, मैं पीपी तो ऑटो उतरी हूँ, जितने बहुत सारे पुल बनाने वास्ते सब बॉक्स है, कुछ पुलिस आज ऑटो से उतरी सी, तो मैं पहले देखा ना अभी इस साइड पे आई हूँ ऑटो ले ली थोड़ा हॉस्पिटल ली। सर, पीछे पता नहीं कौन है, उन्हें मेरा मुँह फड़के फटो डे सब फ्लैश की, तो पता नहीं की थी। अज 7:30 बजे के करीब अमरिंदर कौर लड़की है जिड़ी मेरे अस्पताल के लबोरटरी टेक्नीशियन का काम करती है, अपने घर तो हस्पताल आ रही थी, तो पी ए पी चौंक के कोल दो लड़कियां ने उसके उत्ते कोई तेजाब नुमा चीज़ सुट दी है, वह सज्जा चेहरा सज्जा पासा चेहरा तो सज्जी अख में बहुत ज़्यादा नुकसान होया। तफ्तीश है कॉल डिटेल कटा के सी सी टी वी कैमरे चेक करते हैं की गल हुई, क्यों इतने तेजाब पाया वा, कोई ना कोई वजह की है। वह जरा कुड़ी जी मनिंदर कौर है, ये अपने ट्रांसपोर्ट नगर तो जोहल हॉस्पिटल ये ड्यूटी करती है, तो उतों पी ए पी चौंक तो यह आटो से चढ़न लगी सी, जो दो नौजवान जिन्होंने मूँह बदे हुए थे, तो उन्होंने एक जने ने एक मोटरसाइकिल के पिछे खड़ा सी, तो एक जने ने ये मूँह के उत्ते कोई तेजाब नवा जी चीज़ पाई, जरा मूँह से नुकसान होया मूँह, तो वह जोहल हॉस्पिटल दाखिल है, जरा इलाज चल रहा, तो वो बयान लैके अच्छे पर्चा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, जल्दी तो जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।